ये जगह है, ये मैदान है जहाँ पर पूरा डेकोरेशन होता है। दोस्तों ऑलमोस्ट मैं नज़दीक आ गया हूँ, चिंचपोकली चिंतामणि के मंडप के जस्ट बाहर ही खड़ा हूँ। ओहो, दो महीने के बाद यहाँ तो जल्लोश होगा। और जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऐसे वीडियोस में। मेरा नाम है सतीश, मैं आया हूँ परेल वर्कशॉप की जो रेलवे ग्राउंड पर है, और आज मैं आपको फिर से अपडेट देने वाला हूँ लोअर परेल के वर्कशॉप की। उसके बाद हम जाने वाले गणेश संकुल, फिर उसके बाद जाएंगे गणेश गली, और उसके बाद फिर लालबाग का राजा मंडप, फिर उसके बाद चिंचपोकली। ऐसे कोशिश करेंगे कि वहाँ की अपडेट मैं आपको दे सकूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं परेल वर्कशॉप के नज़दीक पहुंचा हूं, गेट के सामने हूं, और यहां पर और भी यूट्यूबर्स हैं। अंदर जाएंगे, मैं ऑलमोस्ट अंदर हूं परेल वर्कशॉप के अंदर। मूर्तियां अभी निर्माण होंगी। तो ऐसी ट्रॉली होती है, बड़ी ट्रॉली है, मुंबई का सम्राट खेतवाड़ी का, ये साहूवी गली। इस ट्रॉली पे गणपति बप्पा का निर्माण होता है, फिर बाद में कैसे आसानी हो जाती है इनको ले जाने में मंडप तक। ये ट्रॉली है, तो ये वर्कशॉप बिल्कुल गणपति बप्पा के मूर्तियों का। ये जो लोअर परेल का वर्कशॉप है, इसके बारे में आपको क्या क्या लगता है? यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मूर्तिकार और मूर्तियाँ बनती है, तो सच में ये जो गणेश की इतनी बड़ी बड़ी आइडल्स बनती है यहाँ पर, ये देखने लायक है ना? सच में आपको क्या लगता है? ये देखने लायक है, क्योंकि अगर बड़ी मूर्ति की हम बात करें, मुंबई में जो गणेश उत्सव होता है, तो कहते हैं ना साउथ मुंबई, यहाँ पे देखने का मज़ा अलग ही होता है। यहीं पे आपको बड़ी से बड़ी मूर्ति देखने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड से, इंडिया तो इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं एक्चुअल गणपति यहाँ पे देखने के लिए। और एक परेल का वर्कशॉप है जहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्ति जो बनती है, और ये काफ़ी फेमस वर्कशॉप है, यहीं से बड़ी बड़ी मूर्ति यहाँ से निकलती है। लेकिन ये साल मुझे एक स्पेशल ये लगा ना, जो विले पार्ले में हम लोग जाते हैं पेशवा का गणेश गणपति देखने के लिए, तो इस साल ये होगा कि विले पार्ले में जो नहीं जा सकते उनको ये वर्कशॉप में मूर्ति अवेलेबल मिल जाए। और ये एक यूनिकनेस है। और टिश्यू पेपर की अब जितनी बड़ी मूर्ति आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, ये काफी हल्की है, 4 से 5 लोग उस मूर्ति को आराम से उठा सकते हैं, और लोगों को ये मूर्ति देखने का मौका यहाँ पे मिल रहा है, ये मुझे देख के अच्छा लगा। अच्छा, ओके सर। तो ये है परेल वर्कशॉप, गणपति बप्पा की मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया है, और अभी ये 10-15 दिन में और भी कलरफुल मूर्तियां अपने को देखने को यहां पर मिलेंगे। अभी तो सिर्फ मूर्तियां बन रही हैं। तो मैं आया हूं गणेश संकुल यूनाइटेड मिल कंपाउंड के बैक गेट पे। यहां से भी काफ़ी गणपति बप्पा की मूर्तियों का आगमन होता है, और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर अंदर निर्माण हो रही है। दोस्तों ये मैं अभी गणेश संकुल करी रोड यूनाइटेड मिल कंपाउंड के अंदर खड़ा हूँ, और इस यूनाइटेड मिल कंपाउंड के अंदर काफ़ी गणपति बप्पा के वर्कशॉप है, छोटे बड़े कारखाने हैं, छोटे गणपति बप्पा की मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, बड़ी गणपति बप्पा की मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। तो ये अपडेट है कि यहाँ पर कारखाने शुरू हो चुके हैं, और देखिए ये छोटे गणपति के कारखाने हैं, यहाँ बड़ा गणपति के ये छोटा गणपति है, दोनों कारखाने छोटे गणपति बप्पा के, और अंदर जाएंगे तो बड़े गणपति बप्पा का कारखाना है, और ये गेट तो आपके पहचान ही होगा। तो यहाँ पर बड़ी मूर्तियाँ बनती है गणपति बप्पा की, पर छोटी है, और आगे राजन सर का कारखाना है। संपूर्ण जगाचा गणराया तू आहेस पालनहारी। अभी गणेश गली के नज़दीक आया हूँ, आपको अपडेट देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि
जो बड़े गणपति मंडल है लालबाग परेल के, अभी माहौल क्या है इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं वो दिखाने वाला हूँ। अभी नज़दीक आए हम लोग गणेश गली के, थोड़ा ड्रिंक ब्रेक लिया है, लस्सी पी ली, पहुँच चुके हैं गणेश गली ला पोसले लो, अंदर आ गए हैं मुंबई सा राजा गणेश गली। और ये है यहाँ का एटमोसफियर, अभी तक मंडप की शुरुआत नहीं हुई है क्योंकि अभी पाठ पूजन है गुरु पूर्णिमा के दिन। लालबाग सार्वजनिक गणेश उत्सव, और ये जगह है, ये मैदान है जहाँ पर पूरा डेकोरेशन होता है। उस तरफ उधर अंदर जाएंगे अभी, वहाँ पर गणपति बप्पा की मूर्ति होती है। तो दोस्तों ये है वो मैदान जहाँ पर पूरा डेकोरेशन होता है, यहाँ से एंट्री होती है मुंबई के राजा के दर्शन के लिए गणेश गली, और सामने उधर गणपति बप्पा की मूर्ति होती है। नज़दीक आ गए हम लोग जहाँ पर मूर्ति होती है, इस जगह पे मूर्ति होती है। अभी यहाँ पर गाड़ी पार्क है और मुंबई सा राजा गणेश गली, और यहाँ से भी एंट्री है। तो ये है गणेश गली, अभी डेकोरेशन शुरू नहीं हुआ है। गली के बाद हम आए हैं तेजू काया, यहाँ पर वो गणपति का मंडप होता है तेजू काया का। ये वो रोड है जो जैम पैक रहता है गणपति के दिन पे। पर दोस्तों आ गए हैं चूड़ा गली, ये एग्जिट पॉइंट है, आगे लालबाग का राजा का एंट्री पॉइंट है। बहुत बड़ा गेट रहता है इस तरफ और अंदर से एंट्री है। ये हमारे साथ है, बिल्कुल अंदर आ गए, बहुत बड़ा गेट रहता है। ये है ऊपर का छपरा है और यहाँ पर बप्पा की मूर्ति होती है। बिल्कुल नज़दीक हो जाऊँ, अभी मंडप रेडी होना शुरू हो गया। दोस्तों मैं बिल्कुल लालबाग के राजा के मंडप के पास हूँ, जहाँ पर मूर्ति पीछे बाजू यहाँ पर बप्पा की मूर्ति होती है, और ये मंडप है राजा हूँ लालबाग राजा सार्वजनिक गणेश। लालबाग के उस एरिया में आ गया हूँ, ये एक ग्राउंड है जहाँ पर पूरी लाइन लगी होती है, जिगजैग लाइन, इतनी पब्लिक होती है। यहाँ से लाइन अंदर शुरू होकर अंदर आती है, इस गेट से अंदर जाती है मुख दर्शन के। ये वो ग्राउंड है जहाँ पर लालबाग के राजा के मुख दर्शन की लाइन होती है। उस तरफ है चिंतपोखरी के साथ चिंतामणि, और इस तरफ जाना है काला चौकी का महागणपति। तो अभी पहला काला चौकी के महागणपति के पास जाएंगे। काला चौकी का महागणपति, तो मैं आया हूँ अभी काला चौकी का महागणपति, इनका एक जो ऑफिस है और मंडप के पास ही आया हूँ, तो अभी जाते हैं। दोस्तों ये वो गली है, देखिए कितनी छोटी गली है, इस गली में से इतनी बड़ी मूर्ति काला चौकी सा महागणपति, इनकी बहुत बड़ी मूर्ति होती है बप्पा की, और इस गली से अंदर लाते हैं और यहाँ पर सामने वो मंडप होता है।
हम लोग अंदर है कासोकी का महागणपति, गणपति बप्पा का मंडप जो है ये मेरे इस तरफ राइट साइड में है। तो दोस्तों हम आए हैं चिंतामणि, चिंचपोखरी से चिंतामणि, ये सिग्नल है, यहाँ पर बहुत बड़ा गेट होता है चिंचपोखरी से चिंतामणि। तो दोस्तों मैं आया हूँ चिंचपोखरी चिंतामणि के मंडप के पास, बारिश शुरू हो गई है, ऑलमोस्ट मंडप के पास आ गए हम लोग। चिंचपोखरी, चिंचपोखरी सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडप, और ये इनका ये मंडप है, बिल्कुल एक याद आ जाती है गए साल। चिंचपोखरी चिंतामणि के मंडप के जस्ट बाहर ही खड़ा हूँ। ओहो, दो महीने के बाद यहाँ तो जल्लोश होगा, और शायद 21 तारीख को पाठ पूजन है चिंचपोखरी का, चिंतामणि का, गुरु पूर्णिमा का दिन है, वो फुल धमाल होगा यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको परेल का जो रेलवे ग्राउंड है वो दिखाया, फिर गणेश गली, मुंबई सा राजा, उसके बाद लालबाग सा राजा, उसके बाद कासोकी का महागणपति इनका मंडप, और फिर अभी चिंचपोखरी का चिंतामणि का मंडप। तो ये वीडियो यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इन्फॉर्मेशन दिया, अपडेट का वीडियो है। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए। मेरा नाम है सतीश, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।